हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स दिए रहेंगे, यानी कि कुछ क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ठीक, और इस केस में पूछा जाएगा कि आप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीन निकाल के बताइए। तो ऐसे में हम कौन सा जो है मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, और कैसे मीन निकालेंगे उसको यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, आप ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को जो है लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लॉन्ग मेथड को सीखेंगे, इसके बाद जो है हम शॉर्टकट मेथड को सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने दो तीन वीडियो करी है जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेक करें और वहाँ से आप बेसिक से स्टार्ट करें, तो आपको भी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम लोग लॉन्ग मेथड यूज़ करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस तरह से है, आप इसको पहले देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें दी गई हैं, क्लास इंटरवल और सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से ही हमको जो है इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉन्ग मेथड का, ताकि हमको सारी बातें समझ में आए कि हमको भाई पता क्या करना है। ठीक, तो देखिए, जो लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले का हमने यूज़ कहाँ पर किया था, अनग्रुप डेटा में किया था, जब हम लॉन्ग मेथड से अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई थी। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को, तो ग्रुप डेटा के लिए भी फॉर्मूला सेम है, यही है, इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, ये जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया गया है इसका हम लोग मिड पॉइंट जो है निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो मिड पॉइंट आपका निकलता है इन दोनों ही इंटरवल को, ठीक है, इन दोनों ही नंबर को आप ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 45 प्लस 49 अगर आप करेंगे तो 45 प्लस 49 और अपॉन में 2 करेंगे तो आपको ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो 45 और 49 कितना होता है, तो 45 और 49 होता है आपका 94 अपॉन 2। अब 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और इधर कैरी जाएगा तो ये 14, तो 2 7 जा 14, यानी कि यहाँ का मिड पॉइंट आ गया 47। अब देखिए, आपको एक काम की बात ये बताऊंगा, आपने पहला मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या इन सारे क्लास इंटरवल में जो गैप है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो है क्लास इंटरवल कितने का है। तो देखिए, यहाँ से 45 हो रहा है, तो क्लास इंटरवल कभी भी ऐसे ऐसे जो है हॉरिजॉन्टली नहीं निकलेगा, क्लास इंटरवल हमेशा ही आपका वर्टिकल निकाला जाता है। ठीक, तो यानी कि अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 45 माइनस 45 जो है आपका क्लास इंटरवल आएगा। अब आपको चेक करना है कि यह जो ये क्लास इंटरवल है यह कांस्टेंट है, यानी कि सबके बीच में गैप सेम है या नहीं। तो 40 से 35 5 का गैप, 35 से 35 का गैप और 30 से 25 का गैप 5 का गैप, ठीक है, 25 से 25 की 5 का ही गैप है, 20 से 15 5 का ही गैप है और 15 से 10 का 5 का ही गैप है। ठीक, तो यहाँ पर जो गैप है वो कांस्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर का एक जो है मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अगर हाई ऊपर उसकी वैल्यू है, जैसे 45 है, अब नीचे घटता हुआ जा रहा है 40 35, तो ठीक है, अब जो ये है ये हाईएस्ट आपका मिड पॉइंट है, इसी से हम लोग क्या करेंगे 5 माइनस करते हुए लिखते चले जाएंगे, वही इन सबके मिड पॉइंट होंगे। आप चाहें तो इन सबको ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 47 में से 5 माइनस करेंगे 42, तो इन दोनों का मिड पॉइंट आपका 42, कैसे 40 प्लस 44 84 हो जाएगा, 84 का हाफ 42। ठीक है, तो आप बेसिकली 5 जो है माइनस करके लिख दीजिए डायरेक्ट, या फिर इन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, फिर इन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड, वैसे कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सीधे सीधे देखिए गैप कॉन्स्टेंट है या नहीं है, तो उसी हिसाब से हम लोग 5 माइनस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से माइनस 5 करेंगे 37, ठीक, उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे 32, फिर 5 माइनस करेंगे 27, फिर 5 माइनस करेंगे 22, फिर 5 माइनस करेंगे 17,
फिर 5 माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 12 आएगा। उसके बाद 5 माइनस करेंगे 7, फिर 5 जो है माइनस करेंगे 2 हमारे पास आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट जो है ढूंढ लिया और मिड पॉइंट को जो है हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है ये जो है लॉन्ग मेथड के लिए। हमको क्या करना है, एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि एफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। तो 47 इंटू 2 क्या होता है, 94। 42 इंटू 4 क्या होता है, 168। 37 इंटू 5 ये आपका होता है 185। ठीक है, यानी कि 185 होता है। 37 जब हम 37 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको 185 मिलेगा। उसके बाद 32 इंटू 16 512। देन उसके बाद 18 इंटू 27 ये आपका क्या होगा, 486। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आप सारी ही वैल्यूज लिख लेंगे, 264, 153, 84, 28 एंड 326। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी ही वैल्यूज लिख ली। अब देखिए जो है फॉर्मूले में क्या था, जो है सिग्मा एफेक्ट था। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करी है, एफेक्ट की वैल्यूज सारी निकाल ली हैं। तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफेक्ट। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स 1980। तो सिग्मा एफेक्ट यहाँ 1980 आया। अब देखिए सिग्मा एफेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, एन चाहिए। अब एन होता क्या है, एन जो है आपको पता है कि एन जो है सभी फ्रिक्वेंसीज का सम होता है। तो इन सारी फ्रिक्वेंसीज को अगर आप ऐड करेंगे तो इनसे जो आंसर आएगा वही हमारा एन होगा। यानी कि हम एन इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एफ, जो कि हमारा है 80। ठीक है, अब सिंपल सा है, सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं जो भी फॉर्मूले में जिनकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब सारी वैल्यूज रखिए आप यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1980 और यहाँ पर सिग्मा एफ यानी एन की वैल्यू क्या है, वो है 18। ठीक है, तो अब आप जब है 18 से 198 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जब 8 से आप 198 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 24.75 आएगा, यही आपका मीन होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप डेटा में जो है लॉन्ग मेथड का यूज़ करके मीन निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।